मुंबई पुलिस ने एक्टर शाहरुख खान के घर मन्नत में जबरन घुसने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। 19-20 साल के दोनों युवकों को एक्टर के सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे गुजरात से अभिनेता से मिलने आए हैं। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और चीनी कम जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ चुकी एक्ट्रेस स्वीनी खरा ने बुधवार को बॉयफ्रेंड उर्वशी देसाई के साथ सगाई कर ली है। स्वीनी ने इंस्टाग्राम हैंडल पर सगाई की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। फोटोज के साथ स्वीनी ने लिखा है, मैं तुम्हें पेपर की रिंग पहनाकर तुमसे शादी कर चुकी हूँ। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी में इन दिनों तूफान उठा हुआ है। पत्नी आलिया संग नवाजुद्दीन की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं उनके भाई के साथ उनकी लड़ाई अलग ही मोड़ ले चुकी है। बीती रात नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी मां से मिलने वर्सोवा स्थित बंगले पर पहुंचे थे, लेकिन उनके भाई ने उन्हें मां से मिलने से रोक दिया। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव के फैंस के लिए खुशखबरी है। जल्द ही एक्टर मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला की बायोपिक फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस बायोपिक का नाम होगा श्री। इसमें राजकुमार राव लीड रोल निभाते दिखेंगे। हाल ही में भूषण कुमार की टी सीरीज ने इस फिल्म का टीजर रिलीज किया। केवल टीजर देखकर ही फैंस के रोंगटे खड़े हो गए।